भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन कब विशुद्ध होता है? हमारा पूरा जीवन किस लिए है कि हम विशुद्ध हो जाएं? क्या हो जाएं? विशुद्ध हो जाएं। तो विशुद्ध कैसे होंगे? इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करके, तभी हम विशुद्ध होंगे। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उनका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। आत्मा में स्थित का मतलब क्या है? जान गया कि मैं कौन हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। अंश का काम है पूर्ण का सेवा करना, और सेवा सबसे श्रेष्ठ कब होती है? जब प्रेम से होती है। किससे होती है? दो प्रकार की सेवा होती है, एक साधना से होती है और एक राग से होती है। साधना का मतलब अभी मेरे पे जबरदस्ती कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हाँ। और राग का मतलब बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही उत्पन्न होती है, स्वतः। फिर भगवान कहते हैं, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं इसलिए मैं दोबारा चर्चा नहीं कर रहा, जो त्रेतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है। त्रिताप सब जानते हैं, त्रिताप क्या है? आदिदैविक, आदिभौतिक, आदिआत्मिक। पिछली बार मैं चर्चा कर चुका हूं, इस पर फिर नहीं दोहराऊंगा, परंतु एक रिकैप कर रहा हूं, हफ्ता भर हो गया है। बहुत कम लोग हैं जो कि बेसिकली इसको दोबारा पढ़ते होंगे या उस लेक्चर को दोबारा सुनते होंगे। सब इतने जबरदस्त वेद व्यास हैं कि एक बार सुनने के बाद कभी भूलते नहीं है, है ना राजभाई? यही है ना? जबकि हमारी प्रवृत्ति क्या है, परंतु हम क्या समझते हैं अपने आप को? राम, हम तो ऐसी हमारी विलक्षण बुद्धि है जो भगवान स्वयं कहते हैं कलयुग के जीवों के पास नहीं होती। भागवत कह रहा है, कौन कह रहा है? भागवत में क्या कहा गया? मेमोरी क्या होती है? पुअर होती है। जब भी तो लिखित किया सब, जब भी किसी ने प्रश्न किया था कि वेदों की प्रतिलिपि कहां है, क्या प्रश्न किया? वेदों की प्रतिलिपि कहां है? बोलते हो आप इतना पुराना है तो वेदों की प्रतिलिपि है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये श्रुति शास्त्र थे। किसके शास्त्र थे? श्रुति शास्त्र थे। कलयुग में प्रतिलिपि बनाई गई, परंतु समय और काल के अनुसार क्या हो गई? लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई बताइए? हाँ बोल, और बताओ। ट्रेंड का मतलब फिर बोलो, और बोलो आगे, और बोलो। अभी उत्तर पे नहीं आए। हाँ जी, उत्तर गलत नहीं है। और टाइम तो खूब होता है लोगों के पास, क्या बात कर रहे हैं। इंद्र तृप्ति करने के लिए टाइम ही टाइम है। अभी भी अकल, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। जिस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो उसको रखते हो ध्यान से, जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको ध्यान से नहीं रखते। वेदों को इंपॉर्टेंस नहीं दी इसलिए वेद लुप्त हो गए। क्या हो गए? आपके पास अगर हीरा हो इतना बड़ा, खोएगा कभी? कहां रखोगे? घर के अंदर, एकदम अंदर वाली सेफ में। आपके जीवन में क्यों नहीं भक्ति कर पाते? क्योंकि अभी तक आपने भक्ति की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा है। और कोई कारण नहीं है, अभी भी सोचते हो अरे भगवान तो बोलते हैं, ऐसे तो लोग बोलते रहते हैं, जैसे कि बाहर वो पापड़ बेचने वाला आता है रोज हमारे यहां, पापड़ ले लो, पापड़ ले लो, ऐसा समझते हैं। अबे रोज तो बकते ही हैं, क्या है? हाँ, बोलते नहीं है भगवान, वाचा नहीं है आपके जीवन में, अभी क्या है? बोलते हैं। इसीलिए वेद लुप्त हो गए। वेद ऐसे, आप कहोगे लुप्त हो गए मतलब एक दिन वेद थे अगले दिन गायब हो गए? नहीं,
आपने अपने जीवन में देख लीजिए, जो बुजुर्गों ने अगर आपसे कुछ कहा है वो कौन सी चीजें आपके पास रहती हैं जिनको आप समझते हो जीवन में उपयोगी हैं। उन चीजों को तो आप बड़े ध्यान से रखते हो, उन उपदेशों को बड़े ध्यान से रखते हो, उन उपदेशों को बड़े जीवन में लगाते हो, परंतु जिन उपदेशों के बारे में आपको इंपॉर्टेंस नहीं लगती उन उपदेशों को आप जल्दी भूल जाते हो। सही बात है गलत बात है? बच्चे भी पढ़ाई में कौन पढ़ाई ज्यादा करता है? जिसने ये सोचा हो कि मुझे भौतिक जीवन के अंदर बहुत उन्नति करनी है वो भौतिक पढ़ाई बड़ी सही तरह करता है, और जिसने ये अध्यात्म को समझ लिया हो कि अध्यात्म इंपॉर्टेंट है उसको भौतिक किताब पढ़ ही नहीं सकता हो। मैं अपने जीवन का ज्वलंत उदाहरण बता रहा हूं आपको, आपको बता चुका हूं बहुत बार कि भौतिक मेरे भौतिक विद्या में इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं तो अध्यात्म में आया इसलिए था कि मुझे दोबारा जन्म लेकर फिर से ये पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, क्या बेकार चीज। परंतु जब ये चीज समझी, क्योंकि मैंने ये चीज देखा था कि भौतिक में पढ़ो या ना पढ़ो तब भी तुमको अगर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनना है बनोगे, क्या है सबसे पावरफुल व्यक्ति बनना है तो बनोगे, भौतिक में करके आ गए हो सब, वो मुझे पूर्ण विश्वास था। पता नहीं पिछले जन्म का कोई कर्म होगा, बिल गेट्स ने ग्रेजुएशन करी है ना, है ना, कॉलेज का ड्रॉप आउट है, क्या है ड्रॉप आउट है। वॉरेन बफे एमबीए किया हुआ है? नहीं। तो भौतिक तो आप सेट करके आए हो, परंतु आध्यात्मिक आप सोचो कि अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा। आध्यात्मिक अपने आप आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से आपके स्वतंत्रता पर निर्भर है। कहां किस पर निर्भर है? स्वतंत्रता पे। भौतिक पे आपकी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा, आप उसको कैसे खर्च करते हो कैसे लगाते हो वो आपके हाथ में है, वो स्वतंत्रता है आपकी। अब उसको आप लगाने से ही आप अपने जीवन को क्या कर सकते हो, दिव्य बना सकते हो या भौतिक वाद में लगा सकते हो। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि त्रिताप के होने पर भी उसका मन विचलित नहीं होता। हमारा तो दो मिनट विचलित हो जाता है, नहीं हो जाता है जी? दो महीने ग्राहक नहीं आए क्या होगा गुरु कारण? इंद्र तृप्ति कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी? काम तो चलेगा परंतु इंद्र तृप्ति कम हो जाएगी। बिजनेसमैन क्यों सुसाइड करते हैं? तो दिवालिया टाइप हो जाते हैं। क्या होते हैं कि मेरा दुनिया में लोग क्या कहेंगे, अबे तू अपने लिए जी रहा है कि लोगों के लिए जी रहा है? और ज्यादातर 99.9% लोग, तू घर को क्यों डेकोरेट करता है नित्य कृष्ण? अपने लिए, दूसरे को दिखाने के लिए। तो और हमारे गुरु के पूर्वज क्या कहते थे कि दिखावा करेगा तो नजर लगेगी, क्या लगेगी? ये होगा, चिंता ना करो, आप लोग करो, आपके 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 वंशजों के अंदर प्रॉब्लम आएगी, जबरदस्त प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नजर तो लगती है, क्या है नजर तो। और ये आज के वैज्ञानिक एज के अंदर भी आप विश्वास करते हो, मत कर, आज की हालत देख रही है दुनिया के अंदर है? किस लिए हो रही है? तू तो बहुत बड़ा आदमी है भाई, फिर तेरे जीवन, फिर तेरे घर के अंदर इतनी बुरी हालत क्यों है बता दे, क्यों है? अभी बड़े होने दे बच्चों को, क्या होने दे, बड़े होने दे, मैं तो दे देख मजा, फिर क्या देख, हम पंतु मानते। तो त्रितापों से बचने का तरीका क्या है? जबी तो शास्त्र क्या कहते हैं, आवश्यकताओं में जियो। किसमें जियो? आ गया उत्तेजित, भगवान ने दे दिया। प्रभुपाद को पढ़ रहा था मैं, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कुछ आ गया एकदम सोचो, अरे ये तो भगवान ने मंगवाया अपनी सेवा के लिए। क्या करें, भगवान ने मंगवाया है अपनी सेवा के लिए। ये उसी तरीके से हुआ कि पता लगा कि एक बिजनेसमैन ने या एक सर्विसमैन ने अपने एक व्यक्ति को बोला, यार जरा मेरी वाइफ से पैसे ले आइयो। अब वो लेके आया, किसके लिए लाना था? बॉस के लिए। और उसने क्या किया, खुद उड़ा दिया। और कहते हो मैं तो भक्त हूं, क्या हूं भक्त? तब त्रितापों में आओगे, क्योंकि उससे पहले वाला श्लोक पढ़ो,
जब मन मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जो इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में समोच संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। इनको कनेक्शन करना सीखो तभी आप त्रितापों से क्या होगे अथवा सुख सुख में प्रसन्न नहीं होता। उभयतिरिगाचक सुना किसी को ऐसा है? हाँ होते हैं, प्रभुपाद कहते हैं भक्त होते हैं, भक्त प्रसन्न नहीं होते क्या? खुश नहीं होते? खूब होते हैं। जब भगवान की जय जयकार होती है तो बहुत खुश होते हैं। जब भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? सेवा करने का मौका मिलता है तो बहुत खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ये आगे बताएंगे भगवान। अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, किससे मुक्त है? आसक्ति से भय होता है, भय से क्रोध पैदा होता है। समझ जब भगवान को चीज कहते हैं और प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको हर टाइम ध्यान रखना, इसका कोई मीनिंग होता है, देयर इज सम मीनिंग बिहाइंड इट, उसके पीछे कोई अर्थ है। आसक्ति नहीं होगी तो भय होगा है? कोई साउथ अफ्रीका के समुद्र के अंदर शार्क इन्फेस्टेड एरिया के अंदर स्विमिंग कर रहा है, आपको भय है? आसक्ति नहीं तो भय कैसे होगा? नहीं नहीं मेरा बच्चा गया हुआ है वहां और वो वहां कर रहा है तो क्या होगा है? तो भगवान क्या कह रहे हैं, आसक्ति दूर कर, भय और तीसरी चीज क्या कही? क्रोध, सब खत्म।